लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगले दिन 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिख थे जा चुके थे उन्हें छोड़ के। ये लड़ाई जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहां तक लेकर आए, इसको मथुरा नहीं छोड़ेंगे, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जाति और धर्म के नाम पे उन्माद करते हैं, ऐसे जुलूसों को तो सरकार नहीं रोकती। मुझे लगता है भारत सरकार को आके बताना चाहिए कि वो जातिवाद के फेवर में है या खिलाफ है, वो छुआछूत मुक्त भारत बनाना चाहती है या नहीं बनाना चाहती है, वो महिलाओं के ऊपर होने वाले उत्पीड़न को बंद करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, वो मूंछ रखने पर हत्या को बंद करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, वो घड़े छूने पर हत्या को बंद करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। क्या आप ये संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? ए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हम आपको धोखा नहीं देंगे, अपने समाज की जुल्म जाति के खिलाफ हम लड़ेंगे, अपनी बहनों की इज्जत नहीं लूटने देंगे, अपने भाइयों का कत्ल नहीं होने देंगे, हम भारत को अक्षुण्ण रखते हुए एकजुट रखते हुए संविधान की भी रक्षा करेंगे और तिरंगे की भी रक्षा करेंगे। मैं दुनिया को मानवता और शांति का संदेश देने वाले भाई पैर वैर ना लगाना कोई भी करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, संत गुरु रविदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, संत कबीरदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, गुरु नानक देव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, ज्योतिबरा फूले जी सावित्री बाई फूले जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, फातिमा शेख जी के चरणों में नमन करता हूँ, साहू जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, पेरिया रिवी रामास्वामी नायकर जी और नारायणा गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी व माता रमाबाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, कर्पूरी ठाकुर जी, रामस्वरूप वर्मा जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, ललित सिंह यादव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए समाज के सभी ऋषि मुनि और महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथियों, इससे पहले कि मैं अपने हृदय की के अंदर जो समाज को लेकर जो चिंताएं हैं, समाज को लेकर जो हृदय के अंदर दर्द है, इससे पहले कि मैं उसके ऊपर बात करूं, जो लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे सिपाही ही हैं, जो मानते हैं कि वो बाबा साहब के बच्चे हैं, जो मानते हैं कि हमें समाज की इस लड़ाई को लड़ना होगा, जो मानते हैं कि हम अपनी बहू बेटियों की इज्जत पे आंच नहीं आने देंगे, जो मानते हैं कि हमारे हृदय में समाज का दर्द है, सबसे पहले मैं उनको शपथ दिलवाना चाहता हूं आज। तो जो बाबा साहेब को के बच्चे हैं, वो अपने स्थान पर खड़े होकर आज मेरे साथ एक शपथ लेंगे, कोई दबाव नहीं है। आ जाइए बंते जी, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर जो नफरत का वातावरण है, बहन बेटियों की इज्जत लूटकर उनकी हत्या कर दी जाती है, हमारे भाइयों का मूंछ रखने पर कत्ल कर दिया जाता है, घड़े से पानी लेने पर हत्या कर दी जाती है, घोड़ी पे बारात निकालने पर हत्या कर दी जाती है, तो फिर भारत पूरी तरीके से आजाद तो नहीं हुआ। इसीलिए पहले हम संकल्प लेंगे, हमारी जो टीम इधर महिला टीम ऊपर है संचालन कर रही है, वो भी आ जाए निगम साहब, सब लोग एक मिनट, छोटी सी शपथ होगी, हाथ आगे करेंगे फुर्ती से। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एवं तथागत बुद्ध के सामने
आज 27 अगस्त 2022 को इस सभागार में यह संकल्प लेता हूं कि मैं डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और देश के तमाम दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक मजदूर किसान के ऊपर उनकी आन बान शान पर भारत के संविधान पर और भारत के तिरंगे पर कोई आंच नहीं आने दूंगा और जहां भी कहीं पूरे देश और दुनिया के अंदर दलितों के ऊपर आदिवासियों के ऊपर पिछड़े वर्ग के ऊपर मजदूरों के ऊपर किसानों के ऊपर अल्पसंख्यकों के ऊपर कोई भी किसी प्रकार की जुल्म जाती होगी तो उसके खिलाफ बहुत ही मजबूती के साथ हम लोग खड़े होंगे, विरोध करेंगे और अपने भारत को एकजुट करेंगे। और जो भी कोई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी का उत्पीड़न करेगा, हम उसको देशद्रोही मानेंगे। यही शपथ मैं द्वितीय बार भी और तीसरी बार भी लेता हूं और साथ में संकल्प करता हूं कि भारतीय संविधान हमारे हृदय में बसता है, भारतीय तिरंगा हमारे हृदय में बसता है, हम उस पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सब लोग अपना स्थान ग्रहण करें। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अली शेर सैफी जी कह रहे हैं कि हमें 1,00,000 सैफी समाज के लोग दिल्ली के इस ऐलान के साथ आपके साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज वास्तव में आपके उत्साह को देखकर तो मन बेहद खुश है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं आए दिन हम देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं और वो घटनाएं जो सोशल मीडिया पर या न्यूज में आती हैं, उससे दिल दुखता है, दिल रोता है। लेकिन जरा सोच के देखो, जो घटनाएं सोशल मीडिया पर नहीं हैं, जिनको अखबार भी और मेनस्ट्रीम मीडिया भी कवर नहीं करता, पूरे देश के अंदर इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हो सकता है हमारे वो सामने ना आती हो, लेकिन इस तरह की घटनाओं से दिल बेहद दुखी है। सब लोग जानते हैं कि भारत एक समय विश्व गुरु था। एक समय था जब 7 अलग अलग देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे। पूरा भारत सम्राट अशोक के टाइम पे बौद्धमय था, लेके म्यांमार से बांग्लादेश, भारत, नेपाल, तिब्बत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन 7 देशों को मिलाकर कभी भारत एक था, बौद्धमय भारत था, तब भारत विश्व गुरु था। लेकिन मौर्य वंश के अंतिम सम्राट राजा बृहद्रथ की, उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने
हत्या करके भारत से बौद्ध में भारत को खत्म किया, बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं कराई, बौद्ध साहित्य जलाया, बौद्ध शिलालेख तोड़े, बौद्ध मठों को निस्तेनाबूद किया और फिर से भारत में वर्ण व्यवस्था पर आधारित, ऊंच नीच पर आधारित, छुआछूत पर आधारित, जातिवाद पर आधारित व्यवस्था को भारत में दोबारा से कायम किया। उसके बाद से लगातार दुनिया के सामने भारत लगातार शर्मसार होता रहा। आज हर 50 किलोमीटर पर भारत में भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है, हजारों जातियां हैं, अनेकों धर्म हैं। ये विविधताओं का देश है। इस विविधताओं के भरे देश को एकजुट करना इतना आसान नहीं था। जहां हजारों जातियां हों, अनेकों धर्म हों, अनेकों संस्कृतियां हों और आजादी के टाइम पर जहां 565 रियासतें हों, ऐसे भारत को एकजुट करना वाकई बहुत मुश्किल था। लेकिन हम सबको धन्यवाद करना चाहिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का, जिन्होंने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जिसमें 565 रियासतों का भी समावेश किया, सभी जाति धर्मों का संस्कृतियों का भी समावेश किया और एक ऐसा संविधान भारत को दिया जिसने पूरे भारत को आज भी बांध के रखा हुआ है। कुछ लोग हैं जो लगातार जाति के नाम पर उन्माद पैदा करते हैं, कुछ लोग हैं जो धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करते हैं। पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं जाति पूछ के हत्या हो रही है, धर्म पूछ के हत्या हो रही है, मूछ रखने पर हत्या हो रही है, घड़े से पानी लेने पर हत्या हो रही है। पिछले दिनों एक ऑफिसर मेरे पास आए, पता लगा वो इस बार IAS बने हैं, पिछले बैच में वो IPS थे, उनकी पत्नी IFS है, इंडियन फॉरेन सर्विस से हैं, उनकी खुद की शादी थी पिछले कुछ ही दिनों पहले, IAS का रिजल्ट आने से पहले, IAS बनने से पहले, तो वो IPS थे और उनकी पत्नी IFS थी और वो कोटपुतली के गांव, उनका कोटपुतली के पास उनका गांव है राजस्थान में, हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पे। मुझे उसकी बात जब मैंने सुनी, दोनों पति पत्नी आए, मन को बेहद दुख हुआ, क्योंकि एक IPS ऑफिसर होते हुए उनको ये धमकियां मिली कि अगर घोड़ी पे बारात निकालोगे तो तुम्हारी बारात पे हमला होगा, तुम्हारी जान जा सकती है, चाहे तुम IPS बेशक बन गए लेकिन तुम दलित हो, हम तुम्हें घोड़ी पे बारात नहीं निकालने देंगे। कितने शर्म की बात है, हम कौन से आजाद भारत में रह रहे हैं। आजादी के 75वें साल में हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन मैं ये आजादी का 75वां अमृत महोत्सव कैसे मना लूं जहां एक IPS ऑफिसर को घोड़ी पे बारात निकालने के लिए पूरे गांव को छावनी बनवाना पड़ा हो, सैकड़ों और हजारों की मात्रा में पुलिस को लगाया गया हो, तब कहीं जाकर उसकी बारात घोड़ी से निकली, तो क्या इसे हम आजाद भारत कहेंगे? क्या इससे पूरे दुनिया में देश का नाम शर्मसार नहीं होता? 9 साल का बच्चा, जरा सोच के देखो, 9 साल का बच्चा इंद्र मेघवाल, उसको प्यास लगती है तो पानी तो पिएगा ना, उसे क्या पता जाति क्या होती है। व्यक्ति को प्यास लगेगी तो पानी तो पिएगा ना, उसका क्या कसूर था, उसने टीचर के घड़े से पानी ले लिया और पानी पी लिया, टीचर ने उसको इतना मारा कि एक दलित ने उसके घड़े को हाथ लगाया, इतना मारा कि 9 साल के उस बच्चे की जान चली गई। क्या शर्म की बात नहीं है? दिल दुखता है। अभी मार्च के महीने में पाली के अंदर राजस्थान की ही घटना है, एक खूबसूरत नौजवान जितेंद्र मेघवाल, वो कोविड हेल्थ वर्कर था, मूंछें रखता था और मूंछ पहनाते हुए अपनी फोटो सोशल मीडिया पर डालता था,
तो एक व्यक्ति इतना ज्यादा आक्रोशित हो गया, इतना क्रोधित हो गया कि उसने जितेंद्र मेघवाल की हत्या कर दी। जब पुलिस ने उसको पकड़ा कि तूने जितेंद्र मेघवाल की हत्या क्यों की, जानते उसने क्या कहा? उसने कहा ये दलित जितेंद्र मेघवाल मूछे रखता है, मूछ पहनाता है, सुंदर दिखता है, मुझे इसका मूछ पहनाना, सुंदर दिखना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने इसकी हत्या कर दी। ये तो शर्म की बात है, इससे भारत गौरवान्वित होगा या शर्मसार होगा? इससे भारत शर्मसार होगा। कैसे मना लूं आजादी का 75वां अमृत महोत्सव, जहां आज भी हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है, जबरन आधी रात तो उनका शव जला दिया जाता है, और हम जब आवाज बुलंद करते हैं जुल्म के खिलाफ तो हमारे ऊपर लाठियां चलवाई जाती हैं, पुलिस से गोलियां चलवाई जाती हैं। ये कैसा आजाद भारत है? दुख होता है। मैं देख रहा हूं आए दिन इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा दुख तब होता है जब अपराधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है, पूरा समाज अपराधी को गिरफ्तार करके सख्त सजा दिलाने के लिए आंदोलन करता है, और उस अपराधी की जाति के लोग उस अपराधी के फेवर में महापंचायत करते हैं। ये कैसा भारत है? यही हाल हाथरस की बेटी की हत्या के बाद जब धरने प्रदर्शन हुए तो हत्यारों के फेवर में उसकी जाति के लोगों ने वहां महापंचायत की, और यही बात इंदर मेघवाल की हत्या पर भी अभी हुई। वहां पर गांव के दबंग लोगों ने, पूरे गांव के लोगों ने मिलकर महापंचायत की उस टीचर के फेवर में जिसने इंदर मेघवाल को घड़े छुलेने मात्र पे हत्या कर दी। ये कैसा भारत है? लोग धर्म के नाम पर हत्याएं करते हैं और जैसे ही जेल से छुटकर आते हैं उनको माला पहनाकर एक ऐसी पार्टी के लोग जिसकी जो आज केंद्र में जिसकी सरकार है वो हत्या करने वालों को माला पहनाकर उसका सम्मान करते हैं। ये शर्म की बात है, और उसमें केंद्र सरकार का मंत्री माला पहना के सम्मान कर रहा है, इससे तो और भी ज्यादा शर्म की बात है। पूरे देश का मस्तक शर्म से नीचे झुक जाता है। अभी बिल्किस बानो केस में जिन जिन लोगों ने रेप करके उस बच्ची की हत्या कर दी, गुजरात की सरकार ने उसको छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद उन रेपिस्ट और उन हत्यारों को माला पहनाकर मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। ये कैसा भारत है? ऐसा भारत बनाने का सपना स्वतंत्रता सेनानियों ने नहीं देखा था। ऐसे भारत बनाने का सपना तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं देखा था। इससे हमारा मस्तक सर्प से झुक जाता है, दुख होता है, और तब दुख और ज्यादा बढ़ जाता है जब राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेता ऐसे मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं। कहां जा रहा है देश, किस दिशा में जा रहा है? जब मैं ये सोचता हूं तो मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की 5 दिसंबर 1956 की रात याद आ जाती है, जब 5 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर बड़े परेशान और निराश थे। उन्होंने नानक चंद रत्तू से कहा कि ये रत्तू, आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं सालों से सोया नहीं हूं, मन बहुत दुखी है, लेकिन आज मेरा मन कर रहा है कि मैं जी भर के सो लूं, लेकिन रत्तू मेरा स्वास्थ्य मेरा साथ नहीं दे रहा, पता नहीं मैं कल जिंदा रहूं ना रहूं। मैंने इस अपने समाज को 3,500 साल की गुलामी से बाहर निकालने के लिए पूरा जीवन बहुत लंबा संघर्ष किया है।
बड़ी मुसीबतें झेलने के बाद मैं इस कारवां को यहां तक लेकर आया, लेकिन मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अरे तू मेरे समाज के लोगों को कहना कि मैं इस कारवां को बड़ी मुसीबतों के साथ, बड़े कष्ट झेलते हुए, बड़े विद्रोह के बीच से निकालकर अपने लोगों की 3500 साल की गुलामी तोड़कर इस कारवां को यहां तक लेकर आया हूं। मेरे बाद मेरे लोग कम से कम इस कारवां को कुछ आगे लेकर जाएं, और उनसे कहना अगर वो आगे भी न ले जा पाए तो कम से कम इस कारवां को यही छोड़ देना, इसको पीछे न जाने देना। ये बात कहने के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने रत्तू से कहा, रत्तू बहुत देर हो गई, अब ऐसा करो तुम जाओ। नानक चंद रत्तू ने बाबा साहेब के पैर बिस्तर के ऊपर किए, उनके सिरहाने पर गद्दा रखा, तकिया रखा, उनका सर उस पर रखकर नानक चंद रत्तू ने विदाई ली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगले दिन 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं थे, जा चुके थे हमें छोड़ के। आज हमने संकल्प करना है, ये लड़ाई जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहां तक लेकर आए, इसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे। इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, पूरी एकजुटता के साथ लड़ेंगे। कुर्बानी अगर जान की भी देनी पड़ी तो वो भी देंगे। संपत्ति क्या चीज है, परिवार और बच्चे और अपने आप को भी अगर कुर्बान करना पड़े तो करेंगे। ये मंत्री की कुर्सी कुर्बान करनी पड़ी तो करेंगे, लेकिन अपने समाज की लड़ाई को हम लड़ेंगे। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। इसीलिए मैं बार बार अपने लोगों को कहता हूं कि साथियों, व्यक्तियों को मजबूत मत करो, आप विचारधारा को मजबूत करो। जब हम व्यक्ति को मजबूत करते हैं तो व्यक्ति मजबूत होता है, जब विचारधारा को मजबूत करते हैं तो विचारधारा मजबूत होती है। व्यक्ति बीमार हो सकता है, व्यक्ति मर सकता है, व्यक्ति की हत्या हो सकती है, व्यक्ति बिक सकता है, व्यक्ति गद्दार साबित हो सकता है, व्यक्ति पूरे मिशन को डुबा सकता है। इसीलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आप व्यक्ति को मजबूत मत करो, आप राजेंद्र गौतम को मजबूत मत करो, आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और बुद्ध की विचारधारा को मजबूत करो। जब विचारधारा मजबूत होगी तो पूरा समाज मजबूत होगा, पूरा भारत मजबूत होगा। साथियों, इस तरह के जुल्म को देखकर रातों को नींद नहीं आती। अब मैं कैसे कहूं आपको, अयकायक रोना आ जाता है, दिल दुखता है। जो इंसान होते हैं उनके अंदर दिल होता है, और जिनके सीने में दिल होता है वो दिल धड़कता है। जिसके सीने में दिल ही नहीं है उसका दिल क्या धड़केगा, उसे किसी की इज्जत के लूटने से दर्द नहीं होगा, उसकी किसी बेकसूर की हत्या पे दर्द नहीं होगा। लेकिन जिसके सीने में दिल है उसका दिल धड़केगा भी, और उसका दिल संघर्ष के लिए तैयार भी होगा। मैं आज आपसे आह्वान करना चाहता हूं, मैं लगातार पूरे देश के अंदर जा रहा हूं, दुनिया के अंदर अपने जितने भी लोग बसे हुए हैं वो मिशन जय भीम के साथ, इस पूरी विचारधारा के साथ जुड़ चुके हैं। हमने संकल्प किया है, हम भारत को फिर से बौद्धमय बनाएंगे, हम भारत को फिर से बौद्धमय बनाएंगे। क्योंकि बुद्ध के धम्म में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, सील, करुणा, बुद्ध का धम्म शक्ति से नहीं फैला है, बुद्ध का धम्म जबरदस्ती से नहीं फैलाया, बुद्ध का धम्म लालच से भी नहीं फैला है, बुद्ध का धम्म अपनी विचारधारा से फैला है। क्योंकि बुद्ध का धम्म साइंटिफिक टेम्परामेंट रखता है,
बुद्ध के धम्म के अंदर बुद्ध खुद कहकर गए हैं कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि इसको मैं कह रहा हूं, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि वो बहुत बड़े धर्मशास्त्रों में लिखी है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि ये बड़े बड़े विद्वानों ने कही है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि किसी राजा ने कही है। किसी भी बात को मानने से पहले उसको पढ़ो, समझो, जानो, उसका परीक्षण करो, और परीक्षण करने के बाद अगर आपका मन तर्क और बुद्धि की कसौटी पे कस के देखने के बाद अगर इस बात को मान ले कि जो बात कही गई है वो सही है, तब आप उस बात को मानो। धम्म में और धर्म में एक बहुत बड़ा अंतर है। धर्म धर्म शास्त्र से चलता है। धर्म शास्त्र के खिलाफ बोलने की, क्वेश्चन करने की किसी को इजाजत नहीं है। लेकिन धम्म, धम्म तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलता है। धम्म के अंदर सबके लिए समान दृष्टिकोण है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय है। धम्म प्रज्ञा पर आधारित है। इसीलिए हमने संकल्प किया कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर सारी बीमारियों का कारण समझ गए। हम लोग इस छुआछूत की बीमारी से मुक्ति क्यों नहीं पा रहे, हम लोग इस जातिवाद की बीमारी से मुक्ति क्यों नहीं पा रहे। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ जिस दिन हमारे समाज के लोग कई राज्यों से इकट्ठे होकर एक एक रुपए का चंदा घर घर से लेकर 22 लाख रुपया उन्होंने इकट्ठा किया, पॉलिथिन के पाउच में 22 लाख रुपया एक एक घर से एक एक रुपया लाखों लोगों से इकट्ठा करके, घर घर से पुराने पीतल के बर्तन इकट्ठा करके उन्होंने एक बहुत बड़ा एक नोट रुपया बनवाया पीतल का। उस पीतल के रुपए में एक तरफ बुद्ध छपे थे, एक तरफ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर छपे थे, और उसकी बाउंड्री पे लिखा था हम भारत को 2047 तक छुआछूत मुक्त, जातिवाद मुक्त भारत बनाएंगे। और इसके लिए वो इतना बड़ा पीतल का सिक्का बनाकर ट्रक पे रखकर पूरा काफिले के साथ गुजरात से चले, कई राज्यों के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने संकल्प किया कि हम भारत सरकार से ये चाहते हैं, भारत के राष्ट्रपति जी से ये चाहते हैं कि वो ये रुपया, पीतल का रुपया स्वीकार करें, जो एक व्यक्ति की मेरी हाइट से भी बड़ा था वो रुपया, कि वो रुपया स्वीकार करें। और सरकार एक तरफ 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, 2047 में भारत को आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे, तो कम से कम भारत की सरकार देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज एक संकल्प और ले ले कि 2047 तक भारत को हम छुआछूत मुक्त भारत बनाएंगे। लेकिन यह बहुत शर्म की बात है, बहुत पीड़ा और दुख की बात है कि हमारे वो लोग जो शांतिपूर्वक तरीके से भारत सरकार को कुछ देने आ रहे थे, वो राष्ट्रपति जी को 22 लाख सिक्के देने आ रहे थे, कुछ लेने नहीं आ रहे थे। उनको बावल के नजदीक राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर पर रोक लिया गया, पुलिस के द्वारा जबरन रोककर उन्हें 24 घंटे तक वहीं रोका रखा, और वहां से उन्हें फिर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो धार्मिक जुलूस निकलते हैं जिसमें कुछ लोग नंगी तलवारें लहराते हैं, जो लोग बेकसूर लोगों की हत्या का कारण बनते हैं, ऐसे जुलूसों को तो ये सरकार नहीं रोकती। जो देश में अशांति पैदा करते हैं, जाति और धर्म के नाम पर उन्माद करते हैं, ऐसे जुलूसों को तो सरकार नहीं रोकती। लेकिन 2047 तक छुआछूत मुक्त भारत अभियान को भारत की सरकार ने आदेश देकर गृह मंत्रालय से हरियाणा की सरकार के द्वारा बावल के पास रोक लिया गया और वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। क्या ये शर्म की बात नहीं है? क्या भारत आजाद नहीं है? क्या हमें यह फंडामेंटल राइट नहीं है कि हम अपनी सरकार के सामने अपनी बात कह सके? क्या भारत सरकार, मुझे लगता है भारत सरकार को आके बताना चाहिए कि वो जातिवाद के फेवर में है या खिलाफ है, वो छुआछूत मुक्त भारत बनाना चाहती है या नहीं बनाना चाहती है।
वो महिलाओं के ऊपर होने वाले उत्पीड़न को बंद करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, वो मूछ रखने पर हत्या को बंद करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, वो घड़े छूने पर हत्या को बंद करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार अपना मत स्पष्ट करे, वरना भारत के लोग इतने कमजोर नहीं है। हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम भारत के संविधान में आस्था रखते हैं, हम शांति में आस्था रखते हैं, क्योंकि हम बुद्ध के धम्म को मानने वाले हैं। हम ये जानते हैं जहां शांति होती है वहां खुशहाली होती है। हमारा धम्म बताता है मानवता दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। जहां शांति होगी वहां प्रगति होगी, जहां प्रगति होगी वहां खुशहाली होगी, और हम बुद्ध को मानने वाले शांति प्रिय लोग हैं। हमें औजार हथियारों में इस्तेमाल नहीं है, ना हम औजार हथियार उठाते हैं और ना ऐसे लोगों के प्रति श्रद्धावुक झुकते हैं जिनके हाथों में औजार और हथियार हैं। हम ऐसे व्यक्ति के सामने झुकते हैं जिसके हाथ में संविधान है। हम तो समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय को मानने वाले लोग हैं। मैं आपके माध्यम से लंबी स्पीच नहीं दूंगा आज, पर आपके माध्यम से एक संकल्प लेना चाहता हूं, जो संकल्प आप सबने मेरे साथ मिलकर खड़े होकर दोहराया। क्या आप सब लोग दोनों हाथ ऊपर करके बताएंगे कि अपने मरते तब तक आप इस संकल्प को निभाने के लिए तैयार हैं? क्या आप यह संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? ए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, हम आपको धोखा नहीं देंगे, अपने समाज की जुल्म जाति के खिलाफ हम लड़ेंगे, अपनी बहनों की इज्जत नहीं लूटने देंगे, अपने भाइयों का कत्ल नहीं होने देंगे, हम भारत को अक्षुण्ण रखते हुए एकजुट रखते हुए संविधान की भी रक्षा करेंगे और तिरंगे की भी रक्षा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप प्लीज हाथ नीचे करिएगा। आपने जो ये सहयोग दिया है आज इस आज आपने मिशन जय भीम के दूसरे स्थापना दिवस पर जिस तरह का उत्साह दिखाया है, मैं चाहता हूं पूरे देश के अंदर जाने की आप लोग तैयारी कर लो। ये कुर्सियां तो आती जाती रहेंगी, टेम्पररी हैं, लेकिन हमारे समाज का दुख दर्द जब तक खत्म ना हो जाए तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं है। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम इस लड़ाई को जीतेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ लंबी भाषण ना देके, चूंकि बात हम मैं करता रहता हूं, अब इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, अब उसको आचरण में लाने की जरूरत है। और हम बौद्ध भी ऐसे ना बने, बौद्ध बन गए फिर भी अंधविश्वासी, फिर भी पाखंडवाद, फिर भी उसी तरह की भावना, फिर भी जाति में बने हुए। कोई कहता मैं फलाना बौद्ध हूं, मैं शाक्य बौद्ध हूं, ये नहीं चलेगा। बौद्ध का मतलब बौद्ध, बौद्ध धर्म को आचरण में लाना पड़ेगा। शब्दों से बौद्ध नहीं बनते, आचरण से बौद्ध बनते हैं। बुद्धिज्म आचरण का धर्म है। हमने संकल्प किया बाबा साहेब के सामने इस साल 5 अक्टूबर को, चूंकि 4 वर्ण में बांटा है हमने, इस साल 5 अक्टूबर को डॉक्टर अंबेडकर भवन पे रानी झांसी रोड पे करोल बाग में हम लोग 10,000 लोगों को अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के दम में दीक्षित करने का काम करेंगे, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को सजाने और संवारने का काम करेंगे। इसके बाद अगले साल अशोक विजयदशमी 2023 को 1,00,000 लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में दीक्षा लेंगे, और उससे अगले साल अशोक विजयदशमी 2024 को 10,00,000 लोग 10 राज्यों में अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में दीक्षित होने का काम करेंगे, और उससे अगली साल अशोक विजयदशमी 2025 को पूरे भारत में नहीं पूरे दुनिया के अंदर बसे हुए हमारे लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में 10 करोड़ लोग दीक्षा लेने का काम करेंगे। आयोजन लाखों जगह पर आयोजन होगा। केंद्र बिंदु नागपुर की दीक्षा भूमि होगी, जहां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दीक्षा ली थी। और अब मिशन जय भीम के सारे सिपाहियों से, सारे कार्यकर्ताओं से मैं आह्वान करना चाहता हूं, अब चैन से नहीं बैठना, अपने बच्चों की पढ़ाई पे भी ध्यान दो और अपने समाज पे होने वाले जुल्म अधिकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने पर भी ध्यान दो। अपने घर से कुछ दान भी देना सीखो, क्योंकि बाबा साहब तो 5% की बात करते थे, उससे भी ज्यादा की बात करते थे। तो आप कम से कम 2% ही हर महीने का अपनी कमाई का मिशन के लिए, समाज की रक्षा के लिए, अपने संविधान की रक्षा के लिए, भारत को बचाने के लिए कम से कम 2% तो अपनी कमाई का दान दो। मुझे लगता है हम ऐसा करेंगे तो भारत को गौरवान्वित कर पाएंगे, भारत को प्रबुद्ध भारत बना पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय 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 भीम। जय 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 भीम। जय 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 भीम। जय भीम। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।